नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी मिश्रा स्वागत करती हूं आपका अकेडमी में। दोस्तों, इस कोर्स पे हम लोग का महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि हर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके पास अन अकेडमी का लर्निंग ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए। इनरोल कर लेंगे तो हमें हमारे जो भी और भी कोर्स चल रहे हैं उसका भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों देखिए, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको प्रश्नों में कोई क्वेरी है तो आप प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें शेयर करिए और भी लोगों के पास शेयर करिए, जिससे कि उनको भी ये साइंस के प्रश्नों का लाभ मिले। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो रेट कीजिए, ना पसंद आए तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। ठीक है, चलिए ये पार्ट फोर है हमारा। देखिए, अति संभावित जनरल साइंस प्रश्न यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी प्री मेंस के लिए, आरओआरओ मेंस, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए है और पार्ट इसमें फोर है हमारा। देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकुरल ने की थी। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया था। ठीक है, जोसेफ लिस्टर महत्वपूर्ण है। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, भारत में 1948 में जो गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे होमी जहांगीर भाभा। ई बराबर एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, ई बराबर एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण है, ई बराबर एमसी स्क्वायर का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? ई आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया? सापेक्षता का, यही सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड में। रदरफोर्ड मतलब परमाणु के नाभिक में कौन कौन से, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो कौन परमाणु के नाभिक में है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। सूर्य के द्रव्यमान के 101.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आता है, जिसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट देखिए, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, जीसी बोस ने क्या कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी? जीसी बोस ने। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी पुस्तक है? महत्वपूर्ण है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी पुस्तक है? मेघनाथ साहा की। किसकी है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी है? मेघनाथ साहा की है। नेक्स्ट देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आंसर हमारा है एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। न्यूटन है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम के आविष्कारक कौन है? न्यूटन है। प्राकृतिक वरण या नेचुरल सेलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्राकृतिक वरण नेचुरल सेलेक्शन का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा।
देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। सीले और पिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सीले और पिस्टले ने। देखिए दोस्तों बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि प्रश्नों को यह नहीं कि मैं बाद में सॉल्व कर लूंगा, आप हमारे साथ सॉल्व करते चलेंगे तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं होगा। और हम हर देखिए वीडियो में हमारे लगभग 25 से 30 प्रश्न है जो कि आपके अपने वह प्रश्न हो जाएंगे, कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए आप जब भी समय मिले या एक नियम के तौर पर कि मुझे इतने प्रश्न डेली सॉल्व करना है, क्योंकि हम तैयारी तो करते हैं लेकिन डेली सारे सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ दे रही हूँ, आपको मैं प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको मैं लेकर के आऊंगी और आप हमारे साथ सॉल्व करिए और एग्जाम में उसको उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, महत्वपूर्ण है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। देखिए पेनिसिलिन ये सबसे पहली एंटीबायोटिक है, सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलिन ही है। इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ अवस्थित है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ अवस्थित है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। देखिए इसमें निशान नहीं लगा हुआ है, मैं आपको बता दे रही हूँ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट देखिए कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, ध्यान दीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अब सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है कहाँ पे, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है कहाँ पे, हैदराबाद में। देखिए महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंट्स डायग्नोस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, हैदराबाद में अवस्थित है, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी, ठीक है, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडेन एवं सॉन ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडेन एवं सॉन ने किया था, ठीक है। देखिए शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, शैवालों कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी, ठीक है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है, नेशनल भारतीय जो है केमिकल लेबोरेटरी कहाँ अवस्थित है, पुणे में, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है, पुणे में अवस्थित है। मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे अवस्थित है, नई दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली है, नई दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। अंगूर उत्पादन संबंधित है किससे, मतलब अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है, इसमें हो जाएगा आपका बीटी कल्चर, अंगूर उत्पादन को बीटी कल्चर कहते हैं। देखिए यहाँ पे सिल्क उत्पादन को मत्स्य उत्पादन में पीसी कल्चर होगा, सेरी कल्चर यहाँ पे सिल्क से संबंधित है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। तो यहाँ क्या है, अंगूर उत्पादन को क्या कहेंगे, बीटी कल्चर, मत्स्य उत्पादन में पीसी कल्चर, सेरी कल्चर रेशम उत्पादन संबंधित है, एपी कल्चर आपका किससे है, एपी कल्चर आपका हो जाएगा मधुमक्खी पालन से है।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आती हूँ। आप हमें, मैं बार बार कह रही हूँ कि इनरोल कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर फॉलो करेंगे तो हमारे और भी जो महत्वपूर्ण कोर्स चल रहे हैं उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद,